नाम सांबा लक्ष्मी, मैं केजीबी मद्दूर का हिंदी सीआरटी हूँ। बच्चे, आज हम 9वीं कक्षा के पाठ रमजान पाठ के बारे में जानेंगे। बच्चे, रमजान चित्र एक बार देखिए। इस चित्र के प्रश्न जवाब के बारे में हम जानेंगे। पहला प्रश्न क्या है, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे बताइए, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में दो बच्चे आलिंगन कर रहे हैं। ईद के संदर्भ में दो बच्चे बधाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चे, देश के विकास के लिए एकता का क्या महत्व है? देश के विकास के लिए एकता का बहुत महत्व है। तीसरा प्रश्न क्या है, हम धार्मिक सद्भावना कैसा बढ़ा सकते हैं? बच्चे बताइए, त्योहारों के द्वारा हम धार्मिक सद्भावना बढ़ा सकते हैं। बच्चे समझ गए, अब हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। निबंध की जानकारी के साथ निबंध लेखन का अभ्यास करना त्योहार मानवता का संदेश देते हैं। इस पाठ के द्वारा संस्कृति और सभ्यता का विकास करना इस पाठ का उद्देश्य है। निबंध की जानकारी के साथ निबंध लेखन का अभ्यास करना, निबंध अंटे व्यासम, व्यासम గురించి తెలుసుకోవడం, దాంతో పాటు వ్యాసం ఎలా రాయాలి దాని గురించి ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది దాని గురించి ఉంటుంది. త్యోహార్ మానవతా కా సందేశ్ దేతే హే. త్యోహార్ అంటే పండగలు. పండగలు మానవత్వం అనేటటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తాయి. మానవత్వం, మానవత అనగా మానవత్వం. మానవత్వం అంటే జాలి, దయ, కరుణ, ప్రేమ అన్నమాట. इस पाठ के द्वारा संस्कृति और सभ्यता का विकास करना, ఈ పాఠం ద్వారా సంస్కృతి అంటే నాగరికత మరియు సభ్యత, దాని అటువంటి విషయాలను పెంపొందింపజేసుకోవడము అనేటివి ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. ధన్యవాదాలు.